अंते रोग के अभिमान चिंत बिरानी
सज अभिमान अर चिंत बिरानी सात शरण के जप जप नाम तुम्हारो संत रोग पर जप जप नाम तुम्हारो संत रोग पर जप के शरण तुम्हारी तुम्हारे तन के रोग पे
पटपटी कलम आ ऊपर मेघ पे तू एक कहीं है नानका दूजा चाहे तो दूजा चाहे सिमरिए जम जाते मर जाए एक को सिमरो नानका गुर जल जल रया समाए गुर पूरा भेटे प्यार से बोले धन गुरु नानक कहो नानक गुर पूरा भेटे पूरा पूरा गुरु कैसा होता है पूरे गुरु के गुण कौन से होते हैं ऐतिहासिक घटना है बादशाह शाहजहां उसका बड़ा बेटा दारा शिको उसे एक असाध बीमारी हो गई जिसका इलाज नहीं हो पा रहा बादशाह शाहजहां उसका बड़ा बेटा दारा शिको सारे राज्य के वैद्यों ने इलाज करके देख लिया ठीक नहीं हो रहा एक बहुत बड़ा वैद्य ईरान से मंगवाया गया उसने कहा तेरा बेटा ठीक हो सकता है पर मुझे ये जड़ी बूटियां चाहिए ये दवाइयां चाहिए ये मंगा के दो अब बादशाह शाहजहां ने सारे हिंदुस्तान में दवाइयां ढूंढी ये दवाइयां कहीं मिले ही ना प्यार से बोले धन गुरु नानक धन गुरु नानक तब एक वैद्य ने आकर कहा ये दवाइयां गुरु हर राय साहब जी ने दवाखाना खोल कर रखा है गरीबों के लिए जिसमें अपने हाथों से गरीबों का इलाज करते हैं वो और मुफ्त में दवाइयाँ देते हैं उनके पास दुर्लभ जड़ी बूटियाँ हैं ये दवाइयाँ केवल और केवल गुरु हर राय साहब जी दे सकते हैं प्यार से बोले धन गुरु नानक धन गुरु नानक अब शाहजहां थोड़ा जग गया थोड़ा शर्मा गया कहने लगा हमने इनके पूरे परिवार पर न जाने कितने जुलूम ढाए हैं प्यार से बोले धन गुरु नानक धन गुरु नानक इनसे मांगूंगा ये देंगे ही नहीं उल्टा शर्मसार होना पड़ेगा मैं जड़ी बूटियां उनसे नहीं मांगूंगा पर वहां पर उसके दरबार में एक गुरसिख था प्यार से बोले धन गुरु नानक धन गुरु नानक कहने लगा आपने अभी तक सिक्के के घर के असूलों को समझा ही नहीं गुरु नानक का घर कौन सा है श्रवण कीजिए बुरे नाल सब बुरी करन दे माफ करन कई स्याने ये बाबा नंद सिंह जी महाराज वचन किया करते थे कि बुरे नाल सब बुरी करन दे बुरी के साथ हर कोई बुरा करता है आम इंसान बुरे का जवाब बुराई का जवाब बुराई से ही देता है पर कुछ समझदार इंसान होते हैं वो क्या करते हैं बुरे नाल सब बुरी करन दे माफ करन कई स्याने जो स्याने होते हैं समझदार होते हैं वो माफ कर देते हैं प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक पर बुरे नाल फिर नेकी करनी है केवल और केवल गुरु नानक जाने प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक गुरसिख ने ये बात बादशाह शाहजहां को बताई कहने लगा शर्माओ मत एक चिट्ठी लिखकर भेजो अपने मंत्री के हाथ और अर्ज करो कि दवाइयां चाहिए गुरु हर राय साहब जी तर्स करके जरूर ये दवाइयां देंगे प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक मंत्री को भेजा गया चिट्ठी देखकर जब गुरु हर राय साहब जी के पास पहुंची चिट्ठी पड़ी उसी वक्त उन्होंने वो दुर्लभ जड़ी बूटियां बांधकर उसे दी और अपनी तरफ से एक मोती दिया इतिहास में लिखा है उस मोती का एक नाम आया है गफल मोती
वो मोती उन्होंने उसे दिया। कहने लगे, बादशाह से कहना इस मोती को पीस कर इस दवाई के साथ दें, उनका बेटा दारा शिखो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इलाज भी बता दिया जल्दी ठीक होने का और दवाइयाँ भी दे दी। एक बार ये नहीं सोचा साध संगत जी कि गुरु अर्जन देव जी को तत्ती तवी पर बिठाने वाला यही परिवार था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कितने जुलम ढाए इन्होंने, एक बार भी विचार नहीं किया, क्यों? ये गुरु नानक का घर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। काश काश इसके 10% अगर हमारे में आ जाए, काश। मैं कई बार अपने बारे में सोचता हूँ, कोई बुरा करता है तो बुराई से जवाब देने का दिल करता है, काश ये गुण हमारे में आ जाए। ये प्रभु के गुण गाने का मतलब क्या है? बाबा नंद सिंह जी कहते थे, जिसके गुण गाओ, इंसान जिसकी उस्तत करता है, जिसके साथ ज्यादा देर रहता है, जिसके गुण गाता है, उसकी फितरत वैसी हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिसकी संगत करेगा वैसे गुण उसमें प्रवेश करने शुरू कर देंगे। हम संगत करते हैं सुबह शाम गुरु नानक की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो ये गुण हमें प्रवेश करने चाहिए। बाबा नंद सिंह जी कहते थे, ठीक है हम 100% नहीं हो सकते, कम से कम कुछ परसेंट तो हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यहाँ पर एक छोटा सा शब्द याद आ गया, वो भी पढ़ लेते हैं। फरीदा बुरीदा पला कर गुस्सा मन नहरा, फरीदा बुरीदा पला कर गुस्सा मन नहरा, गुस्सा मन नहरा, बुरीदा कि मेरी ये अवस्था है कि मैं मन में भी गुस्सा नहीं करता, थर्मामीटर है चेक कर लो। वाणी कहती है कि जिसकी ये अवस्था हो जाए, फरीदा बुरेदा भला कर, जो आपसे बुरा करे आप उसका फिर भी भला करो। अगर आपकी ये अवस्था हो जाए तो क्या होगा? देही रोग ना लग गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और हम में से कौन है जिसके देह में रोग नहीं? कौन है ऐसे? ये दाते हैं भाई साहब। भाई गुरकबाल सिंह जी बताते थे कि देही रोग न लग गए, ये इतनी बड़ी दात है, अगर कोई इसके ऊपर चल जाए, देही रोग न लग गई, फिर उसके आगे पल्ले सब किंच पाए, जो तू जीवन में चाहेगा तुझे सब कुछ मिलेगा, बस इतना सा कर ले, बुरे दा भला कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर ये इतना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल। जब कोई बुरा करता है, दिल करता है ईंट का जवाब पत्थर से दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु मेहर करें, गुरु मेहर करें,
ये दांत कुछ परसेंट हमारी झोली में जरूर डाल दो। आओ सब मिलकर मांगो। Oh, my God.